हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, कैसे हो सारे? आई होप आप लोग हमेशा की तरह बढ़िया होंगे। तो गाइज, आज का ट्यूटोरियल में हम मोई पोस्टर कॉन्सेप्ट फॉर एडिटिंग करने वाले, जो कि बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। एंड हाँ गाइज, आज के ट्यूटोरियल में हम कुछ इस तरह से फॉर एडिटिंग करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, जो कि गाइज आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हंट कॉन्सेप्ट फॉर एडिटिंग होने वाला। ओके, तो गाइज अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो फटाफट कर लीजिएगा सब्सक्राइब, एंड बगल वाले बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो गाइस, बिना किसी टाइम वेस्ट के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो गाइस, सिंपली आपको ये बैकग्राउंड को अपने पिक्सार्ट ऐप में ओपन कर लेना है, जो कि सिंपल सा बैकग्राउंड है। एंड गाइस, ये फुल एचडी में है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सभी बैकग्राउंड एंड पीएनजी का। तो आप हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो गाइस इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे सिंपली ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस ये पीएनजी लेंगे, जो कि वुल्फ पीएनजी है। एंड गाइस, इसे मैं खुद से क्रिएट करके लगाया हूँ यहाँ। ओके, तो मैं इसका ओपेसिटी कम करके दिखा दे रहा हूँ, जो कि आप देख रहे हैं। तो गाइस सिंपली यहाँ से डन कर देना। ओके, एंड गाइज इसके बाद अपने मॉडल को लगाएंगे, तो ऐड फोटो में जाएंगे और गाइज अपने मॉडल पीएनजी को लेकर आ जाते हैं, जो कि गाइज इसका इसका बैकग्राउंड मैंने पहले से ही रिमूव करके रख लिया हूँ, जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो आप सिंपल सा पोज है, इस तरह से पोज में फोटो क्लिक करवा लेना। ओके, तो गाइज मैं यहाँ पर अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ इसे। ओके गाइज, एंड इसके बाद सिंपली डन कर देना। सो गाइज, इसके बाद हम इसमें पीएनजी को ऐड करेंगे, जो कि आज ढेर सारे पीएनजी को ऐड करना। तो ऐड फोटो में जाएंगे और आपको सिंपली एक हेयर पीएनजी ले लेना है सबसे पहले। तो गाइज हम यहाँ पे हेयर पीएनजी को चूज कर लेते हैं। तो गाइज हम सो गाइज हम इसे अच्छी तरह से अपने हेयर सेट कर लेते हैं। तो गाइज अगर आपको और भी ढेर सारे हेयर पीएनजी डाउनलोड करना है, तो आप हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने ढेर सारे हेयर पीएनजी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। ओके, तो सिंपली इस तरह से लगाने के बाद गाइज यहाँ से इसे इन्वर्ट कर लेंगे, ब्रश पे क्लिक करना है और साइज को इंक्रीज करके जस्ट ऊपर से इस तरह से यहाँ पे हम अच्छे तरह से हेयर बना लेते हैं। तो गाइज मैं यहाँ पे फटाफट बना लेता हूँ हेयर को। ओके, सो गाइज इसके बाद हम यहाँ से सिंपली डन कर देंगे। इसके बाद ऐड फोटो में जाएंगे और गाइज ये वाली पीएनजी लेना है, जो कि टेक्स्ट वाली पीएनजी हंट का। ओके, तो इस तरह से आपको लगाना है, जो कि आप देख रहे हैं गाइज, जिसे लगाने के बाद बहुत ही बढ़िया इफेक्ट आ रहा है हमारे फोटो में, जो कि आप देख रहे हैं इस तरह से। एंड गाइज लगाने के बाद सिंपली डन कर देना। ओके, और गाइज इसके बाद हम फिर से यहाँ से ऐड फोटो में जाएंगे और ये वेपन्स वाली पीएनजी चूज करना है, और इस तरह से हम यहाँ से रोटेट कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा करके अपने हाथों में एडजस्ट करेंगे इसे। ओके, सो गाइज इसके बाद हम यहाँ से इसे छोटा कर लेते हैं अच्छी तरह से एंड रोटेट करके। ओके, तो गाइज यहाँ पे मैं अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, सो गाइज इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है, सिंपली हम यहाँ से इरेजर पे क्लिक करके इरेज कर लेंगे। इसके बाद गाइज यहाँ से डन कर देना। ओके, सो गाइज हमारे यहाँ पे इतना काम हो चुका है। एंड फिर से ऐड फोटो में जाएंगे और गाइज ये फायर वाली पीएनजी लेना है, जो कि हम अपने जीन्स के ऊपर लगाएंगे। तो सिंपली इसे इस तरह से हम यहाँ पे रोटेट कर लेते हैं। ओके, और गाइज इसके ब्लेंडिंग मोड को स्क्रीन कर लेंगे और यहाँ से इसे अपने जीन्स के ऊपर लगा लेते हैं। ओके, जो कि ये लगेगा कि हमारे जीन्स में आग लगी हुई है। ओके, और गाइज यहाँ से लगाने के बाद सिंपली डन कर देना है। सो गाइज इसमें एक दो पीएनजी को और ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हम तो ये टैटू वाली पीएनजी को लेना है और गाइज इसके ब्लेंडिंग मोड को हम मल्टीपल कर लेंगे। देन इसे हम यहाँ से छोटा करके अपने हाथों के ऊपर एडजस्ट कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो गाइज मैं यहाँ पे फटाफट कर लेता हूँ, जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ओके, एंड गाइज सिंपली डन कर देना है। सो गाइज इसके बाद ऐड फ्रॉम जाएंगे और आइज लेंस पीएनजी है, तो इसे लेकर आना है। देन गाइज यहाँ से इसके ब्लेंडिंग मोड को हम स्क्रीन कर लेंगे। ओके, और गाइज जिस तरह से यहाँ पे लगाना है वुल्फ का जो भी आँख है उसके ऊपर लेंस पीएनजी, तो इस तरह से हम यहाँ पे छोटा करके लगा लेते हैं। और गाइज ये एक एक्स्ट्रा पार्ट हो रहा है, तो इसे इरेज कर लेते हैं इस तरह से।
ओके एंड गाइज इरेज करने के बाद गाइज एक आपको डुप्लीकेट बना लेना है और दूसरे आँखों के ऊपर इसे एडजस्ट कर लेंगे। देन एडजस्ट करने के बाद सिंपली डन कर देना। ओके सो गाइज इसके बाद ऐड फोटो में जाएंगे और एक ईगल पीएनजी है तो सिंपली इसे लेकर आते हैं। और गाइज लेकर आने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से छोटा करके साइड में लगा देना ओके और डन कर देना। सो गाइज हमने यहाँ पे सिर्फ पीएनजी को ऐड कर लिए एंड गाइज अब इसमें कलर करेक्शन करना बाकी रह गया। सो गाइज कलर करेक्शन करने से पहले हम इसमें शैडो क्रिएट कर लेते हैं अपने शर्ट के ऊपर एंड फेस के ऊपर। तो गाइज यहाँ से हम जाएंगे ड्रॉ में और ड्रॉ में जाने के बाद आपको ब्रश पे क्लिक कर लेना है ओके। हार्डनेस को 1% रखना है, साइज को देख लीजिए इस तरह से रख लेना है ओके गाइज, ओपेसिटी को भी रख लेना इस तरह से। देन फोटो को इस तरह से जूम करेंगे और गाइज जो भी शैडो एरिया है वहाँ पे हम इस तरह से शैडो क्रिएट करेंगे। बस जहाँ जहाँ शैडो पहले से आ रही है थोड़ा थोड़ा वहाँ पे भी आपको इस तरह से ब्रश चलाना है जो कि और भी थोड़ा शैडो डार्क हो जाए। तो गाइज मैं यहाँ पे अच्छी तरह से कर लेता हूँ इस तरह से ओके। देन हेयर के पे सो गाइज इसके बाद हेयर के ऊपर भी चला लेते हैं हम और गाइज इसके बाद ओपेसिटी को कम कर लेंगे 37 कर लेते हैं। एक इम्प्टी लेयर क्रिएट करना है और गाइज यहाँ से व्हाइट कलर को चूज करना है ओके। और गाइज इसके बाद हम अपने फेस के ऊपर साइन इफेक्ट डालेंगे तो इस तरह से हम यहाँ पे कर लेते हैं। शर्ट के ऊपर भी चला लेते हैं ओके गाइज। एंड गाइज इसके बाद ओपेसिटी को कम कर लेंगे 30 के आसपास। सो गाइज हमारे यहाँ पे इतना काम हो चुका है एंड गाइज अब इसमें कलर करेक्शन करेंगे तो इसके लिए लाइटरूम में चलेंगे। तो सिंपली हम यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करके अपने फोटो को सेव कर लेंगे ओके। एंड गाइज चलते हैं हम यहाँ से बैक हो जाते हैं और अपने लाइटरूम ऐप में चलते हैं। सो गाइज हमारे यहाँ पे फोटो लाइटरूम ऐप में आ चुका है। तो गाइज इसमें सबसे पहले हम बेसिक कलर करेक्शन करेंगे। सो गाइज आपको यहाँ से लाइट पे क्लिक करना है ओके। और गाइज इसके हाईलाइट को इंक्रीज करेंगे 50 के आसपास। देन शैडो को कम करना है थोड़ा सा, व्हाइट को इंक्रीज करेंगे ओके। और गाइज ब्लैक को थोड़ा सा कम करना है। देन गाइज इसके बाद यहाँ से जाएंगे हम कलर पे, मिक्स पे क्लिक करना है और गाइज इसका हम यहाँ से सेचुरेशन को इंक्रीज कर लेते हैं 20 के आसपास और लुमिनेंस को भी थोड़ा सा इंक्रीज करना है। देन गाइज अगले कलर पे जाएंगे और यहाँ से इसके लुमिनेंस को इंक्रीज कर लेना जो कि हमारे फेस पे ज़्यादा व्हाइट हो जाए, हमारे फेस गोरा हो जाए ओके। एंड ह्यू को थोड़ा सा कम करेंगे। देन गाइज इसके बाद अगले कलर पर जाना है आपको, लुमिनेंस को इंक्रीज कर लेंगे और गाइज ह्यू को थोड़ा सा कम करना ओके। देन इतना करने के बाद ग्रीन पे क्लिक करेंगे एंड गाइज इसके ह्यू को -100 कर लेंगे और सेचुरेशन को भी 100 कर लेना ओके। और गाइज इसके बाद लुमिनेंस को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। देन यहाँ से ब्लू पे क्लिक करेंगे और इसके सेचुरेशन को थोड़ा सा कम करना ओके। और गाइज लुमिनेंस को 20% इंक्रीज कर लेंगे ओके। देन अगले कलर पे जा करके इसके सेचुरेशन को इंक्रीज कर देना एंड सिंपली डन कर देंगे ओके। एंड गाइज इसका टिंट को इंक्रीज करेंगे 4%, वाइब्रेंस को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना एंड गाइज सेचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे 20 के आसपास। देन गाइज यहाँ से जाएंगे नीचे डिटेल्स पे, क्लियरिटी को इंक्रीज कर लेंगे ओके। एंड गाइज इसके बाद विग्नेट को थोड़ा सा कम करना। सो गाइज जितना करने के बाद यहाँ से हम जाएंगे इफेक्ट पे और शार्पनेस को इंक्रीज करना एंड गाइज नॉइज डिटेक्शन को इंक्रीज करेंगे अपने फोटो से नॉइज को कम करने के लिए ओके। कलर नॉइज डिटेक्शन को भी इंक्रीज कर देना। सो गाइज जितना करने के बाद सिंपली हम यहाँ से जाएंगे ऊपर प्रोफाइल पे ओके। एंड गाइज आपको चूज करना आर्टिस्ट 05। सो गाइज आप देख रहे हैं फोटो में बहुत अच्छा इफेक्ट आ चुका है एंड सिंपली डन कर देना ओके। एंड गाइज अब इसमें सेलेक्ट टूल का काम करेंगे तो सिंपली हम यहाँ से इस तरह से अपने फोटो को जूम कर लेते हैं, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, ब्रश को सिलेक्ट करना है और अपने फेस को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे ओके। हाथों को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। देन यहाँ से सन पे क्लिक करना है आपको, हाईलाइट को इंक्रीज कर देना और गाइज यहाँ से एक्सपोजर को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, व्हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज करना है देन सिंपली डन कर देना है। सो गाइज हमारे यहाँ पे फाइनली फोटो एडिट हो चुका है एंड गाइज मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखा दे रहा हूँ जो कि आप देख रहे हैं कलर करेक्शन करने का बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो सिंपली गाइज हम यहाँ से शेयर वाला ऑप्शन पर जाकर के अपने फोटो को गैलरी में सेव कर लेंगे। सो गाइज आपको ये वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।